धनबाद शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण काल के बाद कई वार्डों में इंटीग्रेटेड सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम कराया जा रहा है, लेकिन निगम के अधीन बनाए जाने वाले इन सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सांसद की अनुशंसा से लघु सिंचाई विभाग के बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता पर भी स्थानीय लोगों ने उंगली उठाई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धनबाद के गली मोहल्लों में सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। विकास के लिए निर्माण जरूरी भी होता है, लेकिन अगर गुणवत्ता से समझौता होने लगे तो विकास के नाम पर लूट की छूट के चर्चे भी आम हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा धनबाद के दुहाटांड में नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे सड़क को लेकर आम लोगों की नाराजगी से बयां हो रही है। ठीक नहीं बना है, जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं बना है। लोग मसाला दे करके पतला से इसी तरह अपना ड्यूटी पूरा कर दिया है कि हम रोड ढलाई कर दिए हैं। से कम 3, 3.5 या 4 इंची का ढलाई होना चाहिए था। नली का पानी बहता है, सड़क नहीं है तो इसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है गाड़ी उड़ी घुसने में, उसमें हम लोग ईटा उठा दे करके ही पार होते हैं। सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत सिर्फ नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सड़कों को लेकर ही नहीं है, बल्कि लघु सिंचाई विभाग के द्वारा सांसद पीएन सिंह के अनुशंसा से बनाई गई पतराकुल्ही की सड़क को लेकर भी है। जब मैंने इसका कंप्लेन किया, ठीक है, तो जेई खुद न आकर वो अपने दो लोगों को वहाँ पे जांच के लिए भेजते हैं। गुणवत्ता माने जेई को जब आने का फुर्सत नहीं है तो गुणवत्ता का वो कितना ख्याल रखेंगे ये सोचा जाता है। जब लघु सिंचाई विभाग के सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर न्यूज 11 भारत संवाददाता ने कार्यपालक अभियंता से बात करने की कोशिश की तो वो कार्यालय में मौजूद नहीं मिले, लेकिन कनी अभियंता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए और नगर आयुक्त का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। आज एस्टिमेट हम लोग का सेंक्शन हुआ था 10 फीट चौड़ाई में, इसको हम लोग 12 फीट चौड़ाई में बनाए। वहाँ के ग्रामीण लोग बोले कि इसको 12 फीट चौड़ाई में कर दिया जाए, उसका हम लोग का अनुशंसा भी आया ग्रामीणों का। और रही गुणवत्ता के बारे में, वो पर्सनली मैं अपने जांच किया हूँ, 2 लेयर में ढलाई हुआ है, इसमें 7 इंच और ये रहता है चौड़ाई उतना बनाया जाता है। अगर वैसा अगर कोई शिकायत आएगी तो कॉन्ट्रेक्टर से हम लोग पैसा करके पुनः बनवाएंगे, हम लोग ब्लैकलिस्ट करेंगे। में नगर आयुक्त का कहना है कि अगर गुणवत्ता के साथ कहीं कोई समझौता हुआ है तो इस पर वो संज्ञान लेंगे और जो भी ठेकेदार इसके लिए दोषी होंगे उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने का कार्य किया जाएगा। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 11।